नमस्कार दोस्तों, पढ़ाई फॉर यू चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों एचटेट आप सभी को पता है कि नवंबर के अंदर है, 16 और 17 नवंबर को एग्जाम है एचटेट का। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे एचटेट का पूरा सिलेबस। तो जो कैंडिडेट एचटेट में फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं दोस्तों, तो उनको दो चार मेन पॉइंट इसके अंदर हम बता देते हैं कि आपने कैसे तैयारी करनी है एचटेट की, नंबर ऑफ क्वेश्चन उसमें कितने हैं, साथ में मार्क्स कितने रहेंगे। देखिए एचटेट का पीआरटी 1 की हम बात करते हैं, लेवल 1 की। एचटेट के अंदर तीन प्रकार के एग्जाम होते हैं दोस्तों, आप सभी को पता है। एक तो पीआरटी के लिए होता है, यानी कि फर्स्ट क्लास से लेकर फिफ्थ तक, और सेकंड जो एग्जाम होता है वो होता है टीजीटी के लिए 6 to 8, और बाकी जो पीजीटी के लिए होता है दोस्तों वो होता है 9 to 12। तो कुल मिला के पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी के लिए ये एग्जाम होते हैं सारे के सारे। और इसके अलावा जो है टोटल जो नंबर है दोस्तों वो है 150 नंबर का आपका एग्जाम होगा, और क्वेश्चंस भी आपके 150 रहेंगे, 150 क्वेश्चंस हैं और 150 मार्क्स हैं। तो अब बात करते हैं हम सिलेबस की। देखिए और सिलेबस में हम ये भी डिस्कस करेंगे कि आपने इसको तैयारी आपने इसको कैसे करनी है। नंबर 1 पे जो सब्जेक्ट है वो है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। तो ये आएगा दोस्तों 30 नंबर का, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है और 30 नंबर का आएगा चाइल्ड डेवलपमेंट। जिन कैंडिडेट्स ने जेबीटी के अंदर अच्छे तरीके से तैयारी की है दोस्तों, तो उनके लिए ये सिलेबस कुछ भी नहीं है चाइल्ड डेवलपमेंट का, क्योंकि आप प्रीवियस ईयर के जब आप सैंपल पेपर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट का जो सिलेबस था दोस्तों, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी का जेबीटी के अंदर उससे बाहर आया हो। क्योंकि इसमें बच्चे के जो है 6 से लेकर 12 साल की एज तक या 13 साल की एज तक के बच्चे के बारे में पूछा जाता है उसका, और टीचिंग एप्टीट्यूड से रिलेटेड सारा मामला है पूरा का पूरा। जेबीटी की अगर हम बात करें तो ओवरऑल जो है इसका मुख्य उद्देश्य ही यही है कि आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड को चेक करना। तो चाइल्ड डेवलपमेंट की अगर हम बात करें तो दोस्तों स्कोरिंग सब्जेक्ट है, क्यों? क्योंकि जेबीटी और बीएड के अंदर इसके बारे में काफी अच्छे तरीके से पढ़ाया जाता है, सिलेबस से उससे बाहर नहीं आएगा। आप अगर उसी को रिवाइज कर लेते हैं पूरा, तो पूरा का पूरा सिलेबस आपका उसी में कवर हो जाएगा। ये बात दोस्तों चाइल्ड डेवलपमेंट की। नंबर 2 पे है लैंग्वेज 1 हिंदी आएगी दोस्तों। हिंदी जो है 15 नंबर की आएगी और उसके अंदर 15 क्वेश्चन होंगे। देखिए हिंदी की जहां तक बात है सिलेबस की अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी के अंदर संधि है, समास है, लोकोक्ति है, अलंकार है और विपरीतार्थक शब्द हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, मुहावरे, लोकोक्तियां वगैरह। वही सिलेबस हर बार रिपीट होते हैं जो अदर कम्पिटेटिव एग्जाम में आते हैं। आप हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का कोई भी एग्जाम आप उठा के देखिए, चाहे वो ग्रुप डी का है चाहे क्लर्क का है, जो टॉपिक्स वहां पे आते हैं दोस्तों वही टॉपिक यहाँ पे आते हैं। न केवल हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बल्कि आप दिल्ली का कोई भी एग्जाम उठाइए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का आप देखिए, DTRSSB का आप देखिए, उधर आप चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी एग्जाम देखिए, तो सारे के सारे टॉपिक्स जितने भी हैं वही हिंदी के अंदर यहाँ पे रिपीट होके आते हैं दोस्तों, उससे बाहर आपको कुछ भी नहीं आएगा। तो मतलब हिंदी भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, ईजी है। नंबर 3 पे बात करते हैं लैंग्वेज इंग्लिश की। इंग्लिश भी जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 15 है दोस्तों, और 15 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी, यानी कि लैंग्वेज 2 है हमारे पास हिंदी और इंग्लिश, और दोनों जो है 15-15 नंबर की हमारी आएंगी। इंग्लिश के अंदर भी वही सेम है, दो कैंडिडेट्स तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंग्लिश भी ज्यादा मुश्किल नहीं है। टॉपिक्स वही है दोस्तों, प्रीपोजिशन है, वर्ब है, जो कुछ भी है, टेंस है, तो सारा का सारा जो भी सिलेबस है दोस्तों वो सारा का सारा सिलेबस इसी में कवर होगा। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में की जो तैयारी करने हैं उनका पढ़ा पढ़ाया सिलेबस है ज्यादा, तो उनके लिए भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, क्योंकि वही टॉपिक्स जो है बार बार रिपीट होकर आपके कंटिन्यू आ रहे हैं। उसके बाद नंबर 3 पे है वो है जनरल स्टडीज। देखिए जनरल स्टडीज नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 है और मार्क्स भी इसके आपके 30 हैं। जनरल स्टडी में सबसे बड़ी बात ये है दोस्तों कि क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका 10 नंबर का आएगा, रीजनिंग एबिलिटी है वो भी आपकी 10 नंबर की आएगी, और हरियाणा जीके और अवेयरनेस जो है वो भी आपके 10 नंबर की आएगी। यानी कि जो कैंडिडेट किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, और जिन्होंने जनरल स्टडीज को अच्छी तरीके से तैयार किया है, यानी कि 30 नंबर का जिन्होंने अच्छी तरीके से तैयार किया है, वो फिर किसी भी क्वालिफाइड एग्जाम में अगर बैठेंगे दोस्तों किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, तो उनके लिए इजी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये सारी की सारी चीजें जो है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्जाम में भी आती हैं, और हरियाणा जीके की अगर हम बात करें तो अभी जैसे क्लर्क का एग्जाम हुआ था दोस्तों, आप अगर वहां से भी सैंपल पेपर उठा के लेते हैं क्लर्क के, तो उसमें से काफी क्वेश्चन इसमें कवर होने के चांसेस हैं हरियाणा जीके की अगर हम बात करें तो। उसके बाद है दोस्तों मैथ्स। देखिए मैथ्स आपका 30 नंबर का है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 है मैथ के, और साथ में जो है मार्क्स भी आपके 30 हैं। मैथ्स की अगर हम बात करें तो मैथ्स के अंदर भी वही टॉपिक है दोस्तों जो कि रिपीट होके आते हैं बार बार सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में,
मैथ के बारे में मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाया था कि मैंने आपको बताया था कि जो लर्नर हैं और जिनका मैथ कमजोर है वो ल्यूसेंट की बुक की हेल्प लें। तो ल्यूसेंट की जो बुक है दोस्तों, उसमें लर्नर के लिए बिल्कुल सिंपल तरीके से समझाए गए हैं सारे के सारे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी उन्होंने दिया है, और दो लैंग्वेज में ये बुक है, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी। अगर आपको इंग्लिश ईजी लगती है तो आप इंग्लिश वर्जन ले सकते हैं, अगर आपको हिंदी ईजी लगती है तो आप हिंदी वर्जन में ले सकते हैं। तो ये है दोस्तों मैथ्स। नंबर पांच पे है एनवायरमेंटल स्टडीज, 30 नंबर का आएगा दोस्तों, नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 है इसमें, और साथ में जो है मार्क्स भी इसके 30 है। आपने इसमें चीज में ध्यान क्या रखना है दोस्तों, एनवायरमेंटल स्टडीज के अंदर आदमी का परिवार है, समाज है, उसके सराउंडिंग जो भी एटमोस्फेयर है उससे रिलेटेड क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। शरीर के अंगों के बारे में भी पूछते हैं दोस्तों, वस्त्र, आवास, भोजन वगैरह के बारे में पूछते हैं, कई बार शिक्षण संस्थाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन इसमें कवर होते हैं। तो आपने सभी को उस चीजों का अच्छी तरीके से ध्यान रखना है दोस्तों, और इसी के अकॉर्डिंग आपने सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपने तैयारी करनी है। तो ज्यादातर कैंडिडेट्स क्या मिस्टेक करते हैं, जब भी एग्जाम की तैयारी स्टार्ट करते हैं एचटेट की या सीटेट की, तो वो एक ही सब्जेक्ट को लेके फोकस करते रहते हैं, या तो वो चाइल्ड डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस करते हैं दोस्तों, या फिर वो जनरल स्टडीज पे ज्यादा फोकस करते हैं। आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपने सभी सब्जेक्ट को साथ लेके चलना है। क्यों? क्योंकि अभी आपको पता है कि 20-25 दिन का टाइम है, ज्यादा समय आपके पास नहीं है, तो आप चाइल्ड डेवलपमेंट को, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडीज को, मैथ्स और आपका एनवायरमेंटल स्टडीज, सभी को आप साथ साथ लेके तैयारी करें। ये नहीं कि आपने हिंदी को ज्यादा टाइम दे दिया तो आपका सोशल स्टडीज रह गया, अगर आप एनवायरमेंटल पे ज्यादा टाइम लगाते हैं तो आपका चाइल्ड डेवलपमेंट रह जाता है। सभी सिलेबस को आप साथ साथ तैयारी करें, और इसके अलावा जो सैंपल पेपर्स हैं या प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर हैं उनको आप जरूर स्टडी करें, उससे आपको हर हालत में हेल्प मिलेगी और उसमें से क्वेश्चन भी आपके आएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है दोस्तों। अगर हम पासिंग मार्क्स की बात करते हैं, देखिए 150 नंबर का क्वेश्चन, टोटल मार्क्स 150 नंबर का है, जनरल के लिए पासिंग मार्क्स 90 नंबर है दोस्तों आउट ऑफ 150, और एससी के लिए है 82 नंबर है आउट ऑफ 150, ये है पासिंग मार्क्स। तो दोस्तों ये है कंप्लीट सिलेबस आपका, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपने तैयारी करनी है, और जैसा कि आपको बताया जा चुका है कि आपने रिपीट नहीं करनी है कोई भी इस मामले में ज्यादा, कि हम वो बुक जो है रेफर करें या ये बुक रेफर करें, आपने सिर्फ तैयारी करनी है अपने अकॉर्डिंग, ताकि आपको बाद में कोई भी दिक्कत ना आए किसी भी प्रकार की। तो मैं उम्मीद करूंगा दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद है तो आप इसको शेयर करें, आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें पढ़ाई फॉर यूवा चैनल को, और जितने भी लेटेस्ट वीडियो होंगे एचटेट से रिलेटेड पूरा सिलेबस जो है यहाँ पे कवर करवाया जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।